हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मेरी बन रही है मॉर्निंग की चाय। और देखिए बाहर का वेदर आज बहुत ही चिलिंग वेदर है। पापा को उठाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पोलर को जाना है अब नीचे, तो पोलर पापा को बटरिंग कर रहा है, बार बार लिंक कर रहा है पापा को। देखो देखो ये देखो ये देखो, मॉर्निंग में ऐसे करता है, हर दिन ऐसे करता है पोलर। ये देख लो, ये देखो इनका हाथ ऐसे। तो अब मेरी चाय रेडी हो गई है, मैं चाय कप्स में डालती हूँ। हम जा रहे हैं नीचे वॉक के लिए और पोलर को भी लेके जा रहे हैं। तो चलिए शूज शूज पहन लो, शूज। अरे मेरे शूज कहाँ है, बाहर होंगे। चलो मम्मी कुंडी लगा लिया, चलो बोलो, चलो चलो चलो। पोलर इज सो एक्साइटेड टू गो आउट एंड टेक आउट माय शूज। इसको लगा हुआ है आप ले जाओ नीचे। देखो रेंगू रेंगू मेरे को मिलने आ रहा है और पोलर इसके साथ बिल्कुल नहीं बनता है। रेंगू ने मुझसे बात करनी है। रेंगू बस अभी मैं टच नहीं करूंगी, बच 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 बच। चलो चलो ठीक है, बाद में बोलो गंदी बात। पोलर के फ्रेंड्स है लेकिन पोलर गंदा बच्चा है। अरे खेल रहे हैं ये पोलर के साथ, है ना, खेल रहे हैं। आज तो मैं कुछ नहीं लेके आई, आज कुछ नहीं लेके आई बच्चे, आज मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। बस 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 आज मैं इनकी ट्रीट नहीं लेके आई पापा। नो पोलर बस वेरी गुड। भाई लोगों के घर के सामने आवाज कर रही हूँ मैं, पोलर के फ्रेंड्स फ्रेंड्स पोलू के। बस मुझे ही तो लपेट देगा बच्चे, बस कर बच करो चलो। चलो बाय 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 बाय। देखो उसको खेलना है विनोद, उसे खेलना है। कुछ लेके भी नहीं आई हूँ बच्चे, कुछ नहीं लाई, सॉरी सॉरी सॉरी। विजिबिलिटी कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें, आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही। पहले जब हम आए थे तो थोड़ा कम थी और अभी देख रहे हो डेंस होती जा रही है। माय गुडनेस, देखो कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा। पोलर पार्क में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आज पड़ी है ना इतनी सारी धूल, इतने दिन नहीं थी। देखो कितनी विजिबिलिटी, ओ माय गुडनेस। तो गाइस अभी हम आ गए हैं पार्क में, यहाँ पे हम रोज़ आते हैं पोलर को लेके पार्क में। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, मीन्स होते ही हैं, मुश्किल से एक दो कभी होता है मॉर्निंग में। तो पोलर को हम लेश से निकाल देते हैं, तो देखो पोलर इज सो हैप्पी। पोलर आओ आ जाओ, अब देखो अगर हम रनिंग करेंगे तो ये भी हमारे साथ रनिंग करेगा, अगर हम स्लो चलेंगे तो स्लो चलेगा। बहुत खुश होता है ये यहाँ पे और बहुत एक्सरसाइज जाती है पोलर। ये देखो रनिंग कर रहा है, अब मेरा भी वेट करेगा फिर कि मम्मा नहीं आई, ऐसे करता है। चलो तो अब हम वॉक कर लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी। और घर अद्विक और मम्मी घर में, आजकल अद्विक स्कूल नहीं जाता है, बहुत कम जाता है, और हाँ अब तो प्री बोर्ड चल रहे हैं तो अब सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही जा रहा है। घर में ही वो
प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, फाइनल एग्ज़ाम की भी, टेंथ के बोर्ड के, और अभी प्री बोर्ड स्टार्ट है तो प्री बोर्ड के लिए जाएगा। तो चलिए फटाफट वॉक कर लेते हैं फास्ट वाला। आज के मेरे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। एक्चुअली घर में अद्विक की पढ़ाई भी होती है तो वो मुझको अच्छा नहीं लगता है मैं कैमरा ऑन करूँ और वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और फिर उसके बाद एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो देखिए पार्क कितना सुबह सुबह साफ करके गया, कोई तो सफाई हो गई है पार्क की, तो अच्छा लग रहा है बहुत। और देखो कितनी भी ठंड हो, अगर हम थोड़ा फास्ट फास्ट वॉक कर लें या थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना तो ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। और देखो पोलर ना कहीं भी भाग जा रहा है बीच में, पार्क के बीच में भी। आओ पोलर, आओ आओ। फिर यहाँ एक जगह देखो, यहाँ पे रुक जाता है एक जगह पे, फिर आज विजिबिलिटी इतनी कम है कि इसको देखना पड़ रहा है कि कहाँ चले गए, हम लोग इसे दिखते नहीं। मुझे ढूंढ रहा है, पानी में आ गया, पानी में आ गया। ओ मेरा बच्चा आ गया, आ गया पानी में। ओ मेरा बेबी, बश बश, ड्रेस गंदी हो जाएगी मेरी। और ये ना पार्क में क्या कर रहा है, आगे पीछे चला जा रहा है। चलो अब घर चलते हैं। चलो पोलर ने देखो क्या हाल कर दिया है मेरा, और खुद का हाल देखो पोलर सबका। ओ गॉड नो पोलर, इसको खुशी हो रही है कि घर जा रहे हैं, लीश बंधवाने के लिए एक्साइटेड हो रहा है। तो हमारी ड्रेसेस गंदी कर दी और खुद क्या बना है, अब मेरे को ये नहलाना पड़ेगा आज। तो पोलर थक चुका है, थक चुका है, बहुत ज़्यादा रनिंग करता है, सारे हमारे कपड़े गंदे कर दिए पोलर ने। चलो अब घर चलते हैं। देखिए गाइस जब हम आए थे तो कितना कवर्ड थे, और अब ना बॉडी में हीट आ गई है एक्सरसाइज से, रनिंग से, तो ठंड लग नहीं रही, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। गाइस घर पे आ गए थे और मैंने पोलर को नहला दिया आते ही, क्योंकि जिस कंडीशन में वो था तो उसे नहलाना ज़रूरी था। और देखो यहाँ पे मस्ती मार रहे हैं और विनोद एक्सरसाइज, पोलर खेल रहा है, अपने आप को ड्राई कर रहा है। और मैंने डोर इसलिए ओपन, मम्मी ने योगा कर लिया था तो अब मम्मी रेस्ट कर रहे हैं अंदर। चलो अंदर नहीं दिखाती अभी बात। यहाँ पोलर और मम्मी योगा करने के बाद फिर से रेस्ट कर रही हैं। योगा मम्मी तो सुबह 5 बजे उठ के योगा कर लेती हैं, और अब फिर से रजाई के अंदर। और ये इधर अद्विक, मैं कब से उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहा है, पता नहीं कैसा बच्चा। और मेरे मॉर्निंग के सारे काम पड़े हैं अभी तक, पर मैं सोच रही पोलर को नहलाया, मैं भी नहा ही लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, थोड़ा गीली भी हो गई हूँ। और देखिए ये सब बर्तन वगैरह उठाने को है, ब्रेकफास्ट बनाना है, सारे काम पड़े हैं अभी। और देखो बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, कल मैं शॉप गई थी कुछ सामान लेके आई हूँ, ये भी मुझे उठाना है। तो चलिए मैं अब बात लेती हूँ। आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं कब तक बनाऊंगी, कितना बन पाएगा मुझसे। और देखो गाइस पोलर को बिठा दिया हीटर के आगे, ये क्योंकि ड्रायर से अपने आप को ड्राई नहीं करवाता, बहुत डरता है ड्रायर से। और आज हमने ये वाली विंटर्स में फर्स्ट टाइम हीटर निकाला है, क्योंकि अभी इतनी ठंड पड़ ही नहीं रही थी, आज लग रहा है। और वैसे भी आज मॉर्निंग में ही नहला दिया पोलर को, तो ये पोलर देखो कैसे बैठ गया, इसको याद आ गया कि ये हीटर होता है और यहाँ पे हम लोगों को हीट लेनी होती है। बैठ गया हीटर के सामने, लो अब अच्छे से ड्राई हो जाओ, मजे ले लो हीटर के, पोलर हीटर के मजे ले लो। अच्छा लग रहा है पोलर को हीटर के आगे बैठना, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक, यहाँ पे लेमन वाटर के लिए वाटर मतलब गर्म कर रही हूँ, और ये लेमन है, मम्मी को भी दूंगी, विनोद को भी, और अपने लिए भी बनाऊंगी। देखो पोलर को मस्ती चढ़ रही है, और हीटर वहाँ पड़ा है और पोलर यहाँ खेल रहा है। जाओ हीटर के पास बैठो, हीटर के पास बैठो बोला, हीटर के पास बैठो। और ये मम्मी के लिए जा रहा है लेमन वाटर।
मम्मी वैसे नींबू से इतना डरती है, मम्मी बोलती है मेरे को जुकाम हो जाता है, बट मैं गर्म पानी में नींबू डाल के दे रही हूँ तो मम्मी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना मम्मी। पोहा रेडी हो गया है, अब मैं सर्व करती हूँ। और ये इधर मैंने अनार भी लॉस किए हैं, ये इसमें डालूँगी, जिसको पसंद है वही करूँगी, जिस जिसको खाने होंगे। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और मैंने ब्रेकफास्ट बिना नहाए बना दिया। वैसे मैं नहाने जा रही थी पर मुझे लगा लेट हो जाएगा, मम्मी को टाइम से देना होता है, दवाई खाते हैं वो, तो इसलिए अब मैं देती हूँ। और मामा गिव मी माय फूड, कबूतरों को खाना देने दे हैं। देखो देता मम्मी, और देखो ऊपर कबूतर बैठे हैं हमारी, चलो यहाँ से दिखा दी मैंने सुबह। और यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ। चलिए अब मैं बनाऊंगी ग्रीन टी, ब्रेकफास्ट कर लिया था आज पहले ही मैंने, और अब ग्रीन टी बनाती हूँ। और विनोद निकल रहे हैं अभी ऑफिस के लिए, विनोद ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। और मेरे को पोलर, यहाँ हीटर इस साइड है और पोलर इस साइड, बेचारी को पता नहीं लगता, आरुल ने अपनी तरफ हीटर कर लिया। ठीक है बाय बाय, आज तो धूप भी नहीं है ना विनोद, कैसे मेट्रो से टैक्सी बाहर से कर लो, पोलर को भी पापा को बाय करनी है, जबकि सो रहा था, से पता लग गया पापा जा रहे तो इसलिए जाओ बोले पापा, बोरे गए वो गए पापा, पापा बाय बाय, बोले कि पापा बाय बाय, पापा बाय बाय, चलो आ जाओ। फ्रेंड्स अभी भी किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए मैंने देखे पानी में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, जैसे कि सौंफ, जीरा, अजवाइन, दालचीनी और मेथी भिगोई हुई थी, वो भी मैंने इस रात को भिगो के रखी थी, क्योंकि थोड़ी सी मम्मी भी खाते हैं मॉर्निंग में, उनको दी थी। और कुछ मैंने इसमें ऐड कर दी, अभी अच्छे से बॉईल होने दूंगी, उसके बाद मैं ये ग्रीन टी की लीव्स ऐड कर दूंगी थोड़ी सी, और गैस को ऑफ कर दूंगी और थोड़ी देर उसे रहने दूंगी, अच्छे से उसमें मिक्स होने दूंगी, उसके बाद में हम लोग ग्रीन टी पी लेंगे। और बस फ्रेंड्स आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कोई व्लॉग नहीं, रूटीन व्लॉग नहीं शेयर किया, और मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ यहाँ पे किचन में, मैंने ध्यान नहीं दिया हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है या नहीं, और मैं कितनी सारी बातें भी यहीं पे खड़े खड़े कर दी। किचन में मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया पर पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आजकल मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आदविक की 10th की क्लास है और उनके फरवरी में एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, अभी भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है मैं घर में व्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन हो सकती है उसको भी, और उतना टाइम भी नहीं दे पाती हूँ फिर एडिटिंग के लिए। तो आज मेरा मन किया कि आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ मॉर्निंग का रूटीन। तो चलिए फ्रेंड्स अब आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सो बाय बाय।